हेलो गाइस, सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ अपना नया फ़ोन Redmi Note 13 Pro 5G, जो कि मैंने अभी एक हफ्ते पहले ही लिया है। सो यहाँ पर फ़ोन देख सकते हो आप, ये मैं आपको बॉक्स दिखा देता हूँ इसका, Redmi Note 13 Pro 5G, और यहाँ पे मैं इसके स्पेक्स भी आपको बता देता हूँ। सो इसका वेरियंट यहाँ पर आप देख सकते हो Redmi Note 13 Pro का, तो इसकी रैम यहाँ पर है 8GB और स्टोरेज है यहाँ पर 256GB, और इसमें कैमरा इसमें है ट्रिपल कैमरा। तो फ्रंट का इसका 16MP कैमरा है और बैक का इसका 200MP कैमरा, 8MP और 2MP का मैक्रो कैमरा, और इसमें रिफ्रेश रेट मिलती है 120Hz की, और एमोलेड डिस्प्ले इसमें, और स्पीकर जिसमें डुअल है, और साथ में इसमें डॉल्बी एटमोस का भी सपोर्ट है, तो इसमें साउंड काफ़ी अच्छी आती है। और प्रोसेसर इसमें स्नैपड्रैगन का 7S Gen 2, और चार्जिंग इसमें मिलती है 67W की, और गोरिल्ला ग्लास इसमें विक्टर का पहले से। बाकी इसमें है वाटर रेजिस्टेंस और स्क्रैच रेजिस्टेंस। इसका प्राइस है वैसे एक्चुअल 28,000, बट मैंने ऑनलाइन लिया था तो मुझे थोड़ा रिपब्लिक डे के टाइम मैंने लिया था ये, तो मुझे ये पड़ा था 26 का। और रैम है इसमें 8GB और स्टोरेज है 256GB। यहाँ पर आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हो, पूरा ग्लास बैक टाइप इसका पूरा लगता है। यहाँ भी दिखा देता हूँ इसे फिंगरप्रिंट से अनलॉक करके, और यहाँ पर भी मैं दिखा देता हूँ इसको। यहाँ पे इसमें MIUI वर्जन 14 पे चल रही है, एंड्रॉयड 13 है इसमें, 3 साल तक का इसमें एंड्रॉयड का OS अपडेट है, और 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट है। बाकी इसमें आप देख ही सकते हो। सो गाइस, चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ हैंड कैम गेम प्ले ड्रैगन बॉल लेजेंड्स का, इंस्टॉल कर दिया है नए फ़ोन में। और ये जो वीडियो है ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने पुराने वाले फ़ोन से, जिसमें मैं पहले लेजेंड्स खेलता था। सो यहाँ पर हमारी स्क्रीन लोड हो रही है, सो यहाँ देख सकते हो। सो हम लोग 2-3 टीमों से मैच करेंगे यहाँ पे, फ्यूजन वॉरियर, बीस्ट गोहान और UI साइन की टीम। सो लेट्स गो टू द फर्स्ट मैच। एंड गाइस, कमेंट करके बताना भाई नया फ़ोन कैसा लगा मेरा, और हैंड कैम गेम प्ले हम करने वाले हैं अब। सो लेट्स गो GT पार्टी, फ्यूजन वॉरियर यूज़ करते हैं पहले। सो ज़ेनकाई गोजीटा 4 के साथ हम स्टार्ट करेंगे। सो ये मैंने अभी पूरा ज़ेनकाई नहीं किया है, ज़ेनकाई 7 यह दिखा रहा है, लेकिन मैंने अभी सोल अनलॉक इसका ज़ेनकाई 3 तक ही करा है। सो जब 7 करूँगा 7 का भी ले आऊँगा, फ़िलहाल मैं इसे 3 में ही यूज़ कर रहा हूँ। सो हमें यहाँ पे प्रायोरिटी मिल गई है, सो लेट्स अटैक हिम। एंड यहाँ पे भाई अपोनेंट को प्रायोरिटी से हम लोग अटैक करना चालू कर दिया है। एंड गाइस, मैंने अभी कुछ टाइम पहले लैपटॉप की भी एक वीडियो डाली थी, लैपटॉप अनबॉक्सिंग की, जिसमें मैंने फेस रिवील भी किया था अपना, तो उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना मेरे नए गेमिंग लैपटॉप की अनबॉक्सिंग। सो वो जाके भी ज़रूर देख लेना जिन्होंने नहीं देखी। सो यहाँ पर भाई इसका ब्लू जमाजू यहाँ थोड़ा डैमेज करने का ट्राई कर रहा है, बट कुछ खास डैमेज हुआ नहीं। यहाँ ऑलमोस्ट इसकी हेल्थ हटा ही दी हम लोगों ने। सो एक कैरेक्टर तो गया इसका। एंड गाइस, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं दूसरे गेम्स की भी गेम प्ले लेके आऊँ, जैसे कि PUBG हो गया या फिर COD मोबाइल हो गया या कुछ और हो गया, तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं अपने नए फ़ोन में उसका गेम प्ले ले आऊँगा। और जो मेरा नया लैपटॉप है उसमें भी अगर गेम टेस्टिंग का वीडियो आप लोगों को चाहिए, तो मैं अलग अलग टाइप के गेम्स उसमें खेलकर उसे टेस्ट करके एक वीडियो ले आऊँगा उसकी। सो यहाँ पे इसने रश लगा दिया भाई G4 को। ओके, लेट्स गो विद वेजिटो ब्लू। कहते हैं यहाँ पे इसने अपना अल्ट लगा दिया है, कुछ खास इसके अल्टीमेट ने करा नहीं है डैमेज। सो लेट्स अटैक हिम। सो इसका VB यहाँ पे आते हुए। सो यहाँ पर मैंने एक ग्रीन कार्ड का यूज़ कर लिया है, आई थिंक हमें ब्लू कार्ड मिल जाना चाहिए। सो यहाँ पे डबल ब्लू कार्ड है, आई थिंक मैं यहाँ पे रश कर दूंगा इसको।
एंड गाइस नए आए हो चैनल में तो सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को चैनल शेयर कर देना। एंड यहाँ पे इसको राइजिंग डस्ट लगते हुए और एक मेंबर इसका गया। एंड यहाँ पे इसको अर्ड लगते हुए तो यहाँ पे टैप करेंगे हम लोग। सो गाइस फर्स्ट मैच हमारा हो चुका है, सेकंड मैच हम लोग चलते हैं, सेकंड मैच पे चलते हैं हम लोग। सो लेट्स यूज बीस्ट गोहान डबल बीस्ट एंड येलो एलएफ गोहान। सो ये बनता भाई जनेम्बा से स्टार्ट कर रहा है, सो आई थिंक ये स्विच कर देगा यहाँ। बट डैमेज देख सकते हो भाई, क्या पाइकॉन को डैमेज दिया है, एक नंबर। एंड यहाँ पे कॉम्बो कंटिन्यू रखते हैं। ये बीस्ट यार ब्लू वाला बीस्ट पे काफ़ी अच्छा है, ये 10 स्टार में है मेरा। लेट्स स्विच टू रेड बीस्ट। सो यहाँ पे भाई कॉम्बो बना रखा है हमने इस पर। सो यहाँ ब्लू इसके जनेम्बा ने टैंक कर लिया। सो आई थिंक लेट्स स्विच एलएफ गोहान पे स्विच करते हैं येलो वाले। सो वेट करना पड़ेगा थोड़ा भाई, इस बंदे को जेन का ही देना चाहिए लेजेंड्स वालों ने। ये बंदा अभी भी काफ़ी अच्छा कर रहा है पीवीपी में, जबकि भाई आई थिंक ये 3 ईयर ओल्ड यूनिट है, आई थिंक 3 या 4 ईयर ओल्ड यूनिट है। उसके बाद भी भाई ये मेटा में अभी भी भाई पूरा टाइमलेस बंदा है, ये पूरा टाइमलेस टाइप की यूनिट है। सो यहाँ पे भाई इसका गोजीटा रिवाइव हो गया है। सो यहाँ गलत टाइम पे मैंने ब्लू कार्ड लगाया। ओके लेट्स सी व्हाट इट डज। ओके तो यहाँ क्लैश होते हुए और यहाँ पे भाई हम लोगों ने कर दिया है ब्लू बीस्ट पे स्विच। यहाँ पे इसका अल्टीमेट निकाल लेंगे और एकदम अल्ट लगा ही देते हैं इसका। सो यहाँ बच चुके हैं हम। सो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर लेंगे भाई अपने अल्टीमेट गोहान को और यहाँ ग्रीन कार्ड से एक ब्लू निकाल देते हैं। ओके आई थिंक अगर ये मिस होता है तो मैं रश लगा दूंगा। सो बेट हो गया यहाँ पे, ये रश लगाते हैं। सो यहाँ पे राइजिंग रश हो चुका है। यहाँ पे कैच कर लिया भाई इसको फिर से। ओके बच गया ये, बट हम लोग टैप आउट कर देंगे। ओके हमारे पास ब्लास्ट आर्मर है, सो
कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो लेट्स अटैक हिम। आई थिंक ये तो भाई डेड है, इसका अब एक ही कैरेक्टर बचा है। लेट्स यूज द ब्लू कार्ड। और जितनी बार भी ये बीस्ट ब्लू कार्ड यूज़ करता है ये अपना वैनिशिंग कॉस्ट रिकवर करता है, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। आई थिंक ट्वाइस करता है ये, बट काफ़ी हेल्पफुल है। सो लेट्स स्विच टू ब्लू बीस्ट एंड यहाँ पे मैच को ओवर कर देंगे। आई थिंक इसने रश लगा दिया, सो लेट्स यूज येलो कार्ड। आई थिंक इसके पास इंड्योरेंस है, सो ये बीस्ट भी अभी भी वर्थ इट है भाई, जिनके पास नहीं है होपफुली मिल जाए। सो अनदर विक्ट्री। सो चलते हैं नेक्स्ट मैच पे। सो अभी यहाँ पे दो पार्टीज है भाई, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ट्रिपल और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ बीस्ट हान। तो फिलहाल ट्रिपल यूआई यूज़ करते हैं, लेट्स गो। सो लेट्स गो विद अल्ट्रा इंस्टिंक्ट साइन गोकू। सो यहाँ थोड़ा मुझे आई थिंक वेट करना था, सो मैं पीछे होके वेट करूँगा क्योंकि इसका यूनिक गॉच है अभी, तो ये डॉच कर सकता है ऑटोमेटिकली। सो इसके बाद ही हम लोग अटैक करेंगे इस पर। ओके सो अब अगर ये स्विच करता है तो इस पर हमें एक फ्री अल्टीमेट मिल जाएगा। सो यहाँ पे स्विच किया इसने, गलती करी, तो यहाँ हम अर्ट लगाएंगे भाई, ये तो गया। ये बहुत ही सही एबिलिटी है इस कैरेक्टर की, फ्री में इसको अल्टीमेट मिल जाते हैं। इसको एक्चुअल में तीन अल्टीमेट मिलते हैं, सो ये अभी दूसरा अल्टीमेट इसको मिलता है मेन एबिलिटी से। ओके सो इसने ग्रीन कार्ड से अल्ट उड़ा दिया हमारा, बट कोई नहीं, हमारे पास कार्ड्स काफ़ी हैं। सो यहाँ ब्लू कार्ड से वन शॉट हो जाएगा, ये वाला इसका जैन का ही नहीं आई थिंक। तो जिस दिन मैंने लेजेंड्स इंस्टॉल किया था इस पर अभी कुछ दिन पहले ही, सो ये वीडियो उसी दिन का है। सो मैं पहली बार ही खेल रहा था मैं लेजेंड्स इस पर, तो मैच मेकिंग कुछ ऐसे ही हो रही थी। यहाँ अल्ट लगा देंगे भाई पैन को, और ये नए जीटी वाले जो कैरेक्टर्स है ये भाई मुझे एक भी नहीं मिले अभी। मैंने समन किया था इस कैरेक्टर के बैनर पे, और एलएफ किड गोकू के बैनर पे जीटी वाले, और सुपर 17 के बैनर पे भी समन किया था, वहाँ पे भी मुझे अभी तक कैरेक्टर मिला नहीं। ये विंडस्क्रीन यहाँ पे देख सकते हो। तो अभी मुझे कोई भी कैरेक्टर नहीं मिले नए वाले जीटी कैंपेन से, और यहाँ पर लेट्स सी कौन आता है, जेनेम्बा। सो हम लोग करेंगे भाई अल्ट्रा इंस्टिंक्ट साइन गोकू और बीस्ट कोहान, ये लास्ट मैच है वीडियो का। सो डबल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एंड बीस्ट कोहान। गाइस कमेंट करके बताना आप लोगों को हैंड गेम गेम प्ले कैसा लगा, और किस टाइप की वीडियोस चाहिए बताना, क्योंकि मेरे पास अभी नया फ़ोन भी है और नया गेमिंग लैपटॉप भी है, सो वीडियो की क्वालिटी काफ़ी बेटर आएगी अब। सो आई थिंक आई विल स्विच। सो इसके बाद रिवाइवल है, सो ये मेल एबिलिटी से कार्ड रिड्रॉ करता है दोबारा। सो लेट्स सी द डैमेज। ओके डैमेज बुरा नहीं है, ये बंदा सिर्फ तीन ही स्टार पे है।
ओके, तो यहाँ पे पता नहीं है कैसे आगे स्वाइप हो गया। तो यहाँ एक ब्लास्ट निकाल लेते हैं। सो हमारे पास यूनिक गॉज है, ये डॉच कर सकता है। लेट्स सी। ओके सो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यहाँ बीस ने भाई उड़ा दिया। अनफॉर्चुनेटली वो वहाँ बच नहीं पाया। कोई नहीं, हमारे पास दो कैरेक्टर हैं। आई थिंक मैं इस पर रश लगा दूंगा। और यहाँ ये फंस गया बंदा। ये जन्म तो गया इसका। सो डाउन टू वन कैरेक्टर। सो अपने 20 को ट्रांसफॉर्म कर लूँगा मैं। और ब्लू कार्ड यहाँ पे निकालते हैं। तो यहाँ पे आई थिंक ये ब्लू कार्ड लगाने वाला था, बट हमने पहले ही अटैक कर लिया। तो यहाँ मेरे पास तीन तीन ब्लू कार्ड आ जाएंगे अब। तो अब करते हैं भाई इसके ऊपर ब्लू कार्ड की बारिश। अब इसके ऊपर ट्राई करेंगे भाई हम लोग एलएफ लगाने का। ओके बच गया ये बंदा। सो आई थिंक आई विल स्विच। मैं नहीं चाहता भाई मेरा बीस्ट यहाँ पे मरे। सो ये बंदा वैसे भी रिवाइव होता है। सो लेट्स सी, हम लोग वेट करेंगे क्योंकि मैं चाहता हूँ भाई मैं इस पे एलएफ लगाऊँ बीस्ट गुहान से। ओके सो आई थिंक ये डेड है। सो 1v1, यहाँ मेरे पास डबल ब्लू कार्ड है। सो ये पता नहीं यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहा था। आई थिंक अब ये इस पे डेफिनेटली एलएफ लगेगा। सो यहाँ पे भाई कमाल की लेजेंडरी फिनिश। सो ये थी गाइज आज की हैंड कैम वीडियो और फ़ोन का शोकेसिंग और रिव्यू वीडियो। सो कमेंट करके बताना फ़ोन कैसा लगा और हैंड कैम गेम प्ले वीडियो कैसी लगी। बाकी मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट में।